So hello guys, and today on my channel NBits Gaming, and today I'm going to play Minecraft. So let's get started. और गाइस, ये मेरी पहली वीडियो है मेरी मल्टीप्लेयर सर्वाइवल वर्ल्ड की. और गाइस, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, मैं बनाने वाला हूँ एक अंडरग्राउंड सीक्रेट बेस, जिसके अंदर जो कि सिर्फ मुझे ही पता होगा. और गाइस, मैं उसकी लोकेशन बिल्कुल भी रिवील नहीं करने वाला, क्योंकि वो एक इमरजेंसी टाइम के लिए है, इसलिए उसको मैं वीडियो के अंदर या फिर वीडियो के अंदर भी नहीं दिखाने वाला हूँ. तो उसके लिए मुझे बहुत सारा सामान लगने वाला है, जो कि मैंने ऑफलाइन कलेक्ट करके रखा है, जैसे कि ये स्लाइम बॉल्स, आयरन भी मैंने बहुत सारा कलेक्ट कर लिया. और ऑफलाइन मुझे आयरन चाहिए था सिर्फ, पर मुझे डायमंड्स तक मिल गए. तो फिर अभी मैंने और कुछ ऑफलाइन वर्क किया है, जैसे कि ये गाइस, एक सेकेंड, मैंने जो मेरा फार्म है उसको पूरा अपग्रेड कर दिया है, और उस पर थोड़ा ऑफलाइन वर्क करके थोड़ा और वीट निकाल दी. ये देखो गाइस, पहले वो बहुत ही छोटा हुआ करता था, पर अभी इसके अंदर इतना सारा वीट आ चुका है. और इसके अंदर मैं थोड़े से ब्रेड बना के भी रख दिए, उसमें से थोड़े से मैंने इन्वेंटरी में लिया. तो फिर गाइस, अभी मुझे स्टार्ट करना चाहिए बनाना मतलब ये कंप्लीट करना चाहिए ना. तो आप सोचेंगे कि बनाना कितने फालतू जोक मारता हूँ गाइस मैं, बट अभी मुझे यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल लगने वाला है, जो कि मेरे इन्वेंटरी में पहले से ही पड़ा है. तो अभी मुझे गाइस, ये कैसे बनता है गाइस? नहीं, ओके, ये ऐसे ही बनता है. तो अभी मुझे चाहिए एक ये कहाँ पे गया, अगर मैं ये फुल कर दूँ तो मुझे यहाँ पर ये दिखना चाहिए. क्या चाहिए था गाइस, मैं खुद ही भूल गया क्या चाहिए था. ओके, मुझे क्या चाहिए था, क्या बनाना पड़ेगा मुझे. सबसे पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा पिस्टन, स्टिकी पिस्टन, मुझे अभी याद है. तो उसके लिए ये चाहिए, और इसके लिए ये. तो अकॉर्डिंग टू मैं मेरे घर के अंदर मेरे एक सेकेंड, इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ. ओके, तो फिर अकॉर्डिंग टू मैं, मेरे पास रेडस्टोन बहुत सारा पड़ा है घर के अंदर, कॉबलस्टोन केव के अंदर, और वुड मेरे इन्वेंट्री के अंदर. फिर मैं जल्दी से जाके सारा सामान कलेक्ट करके फिर से आपसे मिलता हूँ. तो फिर गाइस, मुझे केव के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ही 22 और स्टैक और 4 पड़े थे. तो फिर मैंने वही उठा लिए. अभी मुझे बनाना है पिस्टन. उसके लिए मुझे ये चाहिए ना, तो फिर मैं काम करता हूँ. मेरे पास तो यहाँ से ये बना सकता हूँ मैं बहुत सारे. तो अभी मुझे सिर्फ 2 पिस्टन चाहिए. मैंने बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं की है मुझे कैसे बनाना है, क्या बनाना है वो तो मुझे पता. और कहीं अभी मैं यहाँ पर एक होटल बना रहा था, उसके लिए मैंने बहुत सारे बेड भी कलेक्ट किए थे, तो वो अभी रख देता हूँ इसके अंदर. और जस्ट इन केस मैं थोड़े से ब्लॉक्स भी लेके आ गया. और गाइस, मुझे एक आपको बताना था, मुझे जो वाली वो क्या बोलते हैं गाइस, उस ब्लॉक्स के अंदर से म्यूजिक निकलता है, उसके वजह से उसके साथ मुझे ये मिल गई एमेथिस्ट शार्ड. तो फिर अभी मुझे ब्लॉक नहीं बनाना है, एक बार मुझे इसकी रेसिपी देखनी है स्पाई ग्लास की. ओके गाइस, अभी इस वाले वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक स्पाई ग्लास भी. और अभी ये तो बन चुका है. और गाइस, अभी मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए मुझे लगने वाला है क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं. ओके, कैंप फायर के लिए क्या लगता है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी आइडिया है. कैंप फायर के लिए मुझे ये वाली वुड स्टिक्स और ओके हो जाएगा गाइस. ये देखो, ये कितने चाहिए, ठीक है कि अभी सिर्फ इतना. और गाइस, अभी मुझे एक चारकोल चाहिए, जो कि बहुत ही इजीली मिल जाता है. सिर्फ हमें एक फर्नेस चाहिए, जो कि अभी मैं बना लेता हूँ. और गाइस, अभी फर्नेस के अंदर हमें रखना है कोई भी बर्निंग मतलब फ्यूल डालना है,
तो फिर मैं काम करता हूँ, इससे ये बना लेता हूँ प्लैंक्स और ऊपर डाल देता हूँ ये। तब तक गाइज अभी मुझे ग्लास भी चाहिए जो कि अकॉर्डिंग टू मी घर के अंदर बड़ा है। पर सबसे पहले इसके अंदर चेक करता हूँ गाइज, क्योंकि इसके अंदर मेरा बहुत सारा सामान पड़ा रहता है। तो फिर अभी गाइज मुझे जल्दी से ऊपर जाना है और लेट्स चेक इन माय गाइज, एक सेकंड मैं ऊपर कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग। ओके तो फिर गाइज मेरे पास ग्लास तो एक स्टैक भर के पड़ा है, मैंने थोड़ा सा यूज़ नहीं किया अभी तक, पता नहीं वो कहाँ पे चला गया। पर अभी गाइज मुझे यहाँ पर लगने वाले हैं बॉटल्स, स्प्लैश बॉटल कैसे बनाते हैं, वाटर स्प्लैश वाटर बॉटल, आई थिंक ब्रूइंग स्टैंड लगता है ना उसके लिए। तो फिर ब्रूइंग स्टैंड की रेसिपी क्या है एक बार देख लेता हूँ मैं कहाँ पर। ओके कॉबलस्टोन और ब्लेज रॉड गाइज, मैं आज की इस वीडियो में तो पता नहीं कर सकता अभी या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक नेदर एक्सप्लोर करना बाकी है। तो फिर गाइज मुझे एक अलग आइडिया बनाना पड़ेगा, तो फिर मैं वो अलग आइडिया बना के आपसे मिलता हूँ। तो फिर गाइज मुझे आइडिया आ गई बहुत देर सोचने के बाद, गाइज मतलब इतनी इतना सोचा गाइज मैंने, अभी फिर जाके मुझे एक आइडिया आया कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ गाइज। और अभी मुझे और क्या लगने, ओके मुझे और लगने वाला है एक फ्लिंट एंड स्टील जो कि गाइज नेदर के अंदर पड़ा है, मैं अभी लेके आता हूँ गाइज 2 मिनट दो। तो फिर अभी गाइज मैं नेदर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे बहुत सारा सामान पड़ा है गाइज, मैं मुझे पता भी नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद था कि इसके अंदर मेरा फ्लिंट एंड स्टील पड़ा है। फिर अभी ये लेके, यस गाइज मेरे यहाँ पर ग्लास पड़े हैं। तो फिर अभी ये लेके मैं जल्दी से ऊपर चला जाता हूँ, यस गाइज लास्ट लास्ट जो मैं याद होगा मैं यहाँ से नीचे गिरा था, मर के वापस आया था और ऊपर ही नेदर पोर्टल थी, मैंने यहाँ पर चेस्ट रखा और फिर नोटिस किया कि यहाँ पर तो ये है, मतलब नेदर पोर्टल, वेयर इज नेदर पोर्टल। तो फिर गाइस अभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ओवर वर्ल्ड में और अभी मुझे फ्लिंट एंड स्टील मिल चुका है और ये भी। और क्या चाहिए गाइज मुझे, और आई थिंक कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर मैं जल्दी से एक लोकेशन ढूंढ लेता हूँ। तो फिर गाइज मुझे लोकेशन मिल चुकी है, पर मैंने फिर नोटिस किया यहाँ पर रात हो चुकी है। तो फिर अभी मैं जल्दी से सो जाता हूँ कि मैं लाइम बेड पर सोऊंगा गाइज, बेड की वैरायटी। तो फिर अभी गाइज मुझे यहाँ पर जल्दी से ये बेड मेरे इन्वेंट्री में ही रखता हूँ क्योंकि कभी भी लग सकता है, और अभी इसे अंदर रखो। गाइज अभी मैं जल्दी से उस लोकेशन पे जाता हूँ। गाइज मैं मेरी लोकेशन पे जा रहा था तभी मुझे ये बीबी हंस मिला और मेरे पीछे से मार रहा था, मैं उसने मुझे ऊपर से नीचे गिरा दिया। पर गाइज आपको याद होगा लास्ट स्ट्रीम में जो कि बार बार क्रैश हो गई थी, मैंने यहाँ पर बनाए थे फ्रॉस्ट वॉकर वाले शूज़, तो फिर अभी मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। और गाइज अभी मैं मिलता हूँ लोकेशन पर। तो फिर गाइज अभी लिटरली मैं इतना दूर आ चुका हूँ, मैंने मतलब घर के वहाँ से सोच लिया था कि बहुत दूर जाऊँगा, यही लोकेशन थी। तो फिर गाइज अभी मतलब मैं घर का रास्ता नहीं भूला हूँ और मैं बताने भी नहीं वाला हूँ कहाँ पर है। और अभी गाइज मुझे यहाँ पर जल्दी से बेस की मतलब बेस स्टार्ट करना है मुझे। तो फिर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर रखना है एक ये गाइज मेरे पास, गाइज मैं मेरे साथ वुड ही लेके नहीं आया, बट डोंट वरी गाइज आगे वुड है, मेरा बहुत सारा सामान मतलब सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल चाहिए था मुझे। गाइज आपको टॉप राइट पर दिख रहा होगा वो क्या है, जैसे अंदर जा रहा एरो। तो फिर गाइज मैंने ऑटो सेव ऑन किया है इसलिए मेरी गेम बार बार ऑटोमेटिकली सेव होते रहेगी, मतलब अगर गेम क्रैश भी हो गई तो भी कुछ भी टेंशन नहीं गाइज। फिर अभी मैं जल्दी से ये तोड़ लेता हूँ गाइज, मेरे एक्स के साथ ये पूरा वन टैप हो रहा है, मतलब एक सेकेंड दबा रहा हूँ और पूरा टूट गया। और मैं यहाँ से सैपलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत अनलिमिटेड सैपलिंग्स है। फिर एक क्राफ्टिंग टेबल बनाओ अगर, और गाइज अभी प्लीज़ मत, ये नहीं चाहिए इसके लिए, और कुछ सामान नहीं लगना चाहिए, सब कुछ मेरे इन्वेंट्री में चाहिए।
तो फिर मैं यहाँ से बना लेता हूँ एक बार ऑब्जर्वर। गाइस क्वार्ट्ज लगते हैं इसके लिए, मुझे नदर के अंदर जाना ही पड़ेगा, अभी कितना भी ना बोलूँ पर मुझे जाना ही पड़ेगा। गाइस गाइस मैं 2 मिनट में आता हूँ नदर में जाकर। मतलब मैंने थोड़े से अपग्रेड किया है, पर अभी वो आपके लिए गाइस सरप्राइज है। अगली वीडियो में मैं आपको वो सरप्राइज दिखाने वाला हूँ, अगली वीडियो या फिर स्ट्रीम। गाइस यहाँ पर एक पूरा परफेक्ट टाइप क्रॉस बनाया, अगर मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूँ ना, ये परफेक्ट हेरोब्रेन का क्रॉस लगेगा, पूरा हेरोब्रेन का क्रॉस। तो ये और ऐसे गाइस ये देखो पूरा हेरोब्रेन का क्रॉस। तो फिर गाइस अभी मैं काम करता हूँ, ये कैंप फायर भी मेरे साथ। गाइस मैं भूल गया, नो वे गाइस हमें नहीं मिलता, मैं बार बार भूल जाता हूँ। पर डोंट वरी गाइस, मेरे पास और एक ये बनाने के लिए है, ये रखता हूँ। तो ओके गाइस मुझे अभी कैंप फायर की रेसिपी फिर से देखनी पड़ेगी। स्टिक चाहिए गाइस मुझे, एक स्टिक सिर्फ लकड़ी। फिर अभी मैं बना लेता हूँ। और गाइस मेरी इन्वेंट्री में स्पेस ही फुल हो गई, मुझे क्या क्या नहीं चाहिए। मैं काम करता हूँ, सब कुछ यहाँ पर फेंक के आता हूँ। तो फिर गाइस अभी मतलब मैं घर पे आ ही चुका हूँ, तो फिर यहाँ से थोड़ी सी वुड भी लेके जाता हूँ, क्योंकि गाइस वहाँ पर बार बार दूर जाना पड़ता है वुड लेने के लिए। पर मेरे घर पर ही फार्म पड़ा है, तो फिर यहाँ से ही ले लेता हूँ मैं। और मैंने पूरा मतलब इनका टकला कर दिया गाइस, उनके ऊपर की लीव्स निकाल दी, पर अभी मैं लीव्स नहीं निकालने वाला हूँ। ओके अभी यहाँ पर भी रख दो गाइस। अभी मुझे मेरे पास 15 हो चुके हैं, इतने तो इनफ है। तो मैं अभी जल्दी से फिर से चला जाता हूँ मेरे व्हाट मतलब जहाँ पर मैं घर नॉट घर बेस बनाने वाला हूँ। तो फिर मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पर। तो फिर गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मेरी इन्वेंट्री भी क्लियर कर दी, और नदर में गया ही था तो मैंने 10 क्वार्ट्स ले लिए। तो फिर अभी मुझे यहाँ पर एक एक ही बना सकता हूँ ना। ओके एक ही चाहिए मुझे, पर गाइस सिर्फ देख रहा था। तो अभी मुझे मैंने जो यहाँ पर ये कैंप फायर बनाया था उसके नीचे मुझे रखना एक ऑब्जर्वर, और अभी उसको टेस्ट करने के लिए अगर ये चल रहा है गाइस तो उसके साइड में ये रख देता हूँ। और नहीं गाइस मुझे इसके नीचे रखना पड़ेगा ना ये, तो मैं काम करता हूँ इसके नीचे रखता हूँ ये रेड स्टोन और इसके ऊपर। और गाइस ये तोड़ के अभी अगर इसके ऊपर ब्लॉक रखा, गाइस मैंने उल्टा लगा दिया है, मुझे अभी समझ में आया। तो फिर मुझे यहाँ पर ऐसे नीचे से आकर ऑब्जर्वर को रखना है कुछ ऐसे। और अभी गाइस मेरा ये वर्क होने लगेगा, जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ मैं। तो फिर पर गाइस अभी मैंने इसके नीचे ये रेडस्टोन रखा और यहाँ पर आया, इसके ऊपर ब्लॉक रखने के बाद ये एक्टिवेट होगा एक सेकेंड के लिए। और अभी गाइस मुझे चाहिए एक रेडस्टोन टॉर्च, जो कि मेरे पास सिर्फ इसकी लकड़ियों की कमी गाइस, सैड लाइफ। तो गाइस अभी मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से एक रेडस्टोन टॉर्च बना लेता हूँ। और अभी के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा गाइस, तो यहाँ पर ये रेडस्टोन तो बराबर है। मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए रेडस्टोन आगे ले लेता हूँ, उसका बहुत काम है। तो फिर अभी ये एक ऊपर बिल्ड करके अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया और फिर आगे टॉर्च ले ली, तो फिर ये ऐसे चाहिए। यस गाइस अभी ये वर्क होने वाला है। अगर आपने अभी देखा तो ये एक्टिवेट हुआ और वो अनएक्टिवेट। पर गाइस ये बहुत कम देर के लिए ही होता है, तो मुझे कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके वजह से ये बार बार होगा। तो फिर सबसे पहले तो मैं मेरा ये रेडस्टोन का वर्क ख़त्म करने वाला हूँ। अभी मुझे क्या करना है वो है गाइस, इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, पर इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है गाइस।
ओके गाइस, अभी यहाँ पर मैं ऊपर आ चुका हूँ। ऊपर अभी मैंने एक नोटिस किया कि ऊपर वाला नहीं चल रहा, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर और एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये रख के अगर मैं ऐसा करूँ, फिर से एक बार रात हो गई, मैं आपको मिलता हूँ सुबह। और गाइस अभी सुबह हुई भी नहीं और ये आ गया, तो फिर गाइस अभी मैं आपके सामने ही सोने वाला हूँ। तो गाइस और अभी मुझे जल्दी से उठकर यहाँ पर ये काम फिर से एक बार चालू करना है। तो गाइस अभी मुझे यहाँ पर एक ब्लॉक रखना है, एक पिस्टल ऐसे में गाइस, एक सेकंड। अरे गाइस ये ज़ॉम्बी क्यों ऐसे तंग करते हैं बार बार। मैं इस क्रीपर को एरो से मारने वाला हूँ, पर अभी मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ। ओके गाइस अभी मुझे जल्दी से ऊपर जाना है, और अभी मुझे जल्दी से खाना खाना पड़ेगा। गाइस मुझे बहुत भूख लगी है माइनक्राफ्ट के अंदर, पर मेरे पास है ब्रेड, तो फिर ब्रेड से मेरी हेल्थ फुल हो सकती है। ओके गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर, और क्रीपर कहाँ से आ गया गाइस, प्लीज डोंट ब्लो अप। ओके गाइस मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 एरो बचे, पर गाइस अभी काम चलाना पड़ेगा। तो अभी जल्दी से ये पिस्टन तोड़ देता हूँ, और इसके आगे के फिर से 2 ब्लॉक्स तोड़ कर यहाँ पर एक पिस्टन और यहाँ पर एक। और गाइस अभी ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इसको यहाँ पर पावर चाहिए, और गाइस अभी ये वर्क करेगा। तो फिर मैं जैसे इसके ऊपर ब्लॉक रखूँगा गाइस यहाँ पर नहीं, जैसे ही मैं इसके ऊपर ब्लॉक रखूँगा वो ऐसे पीछे होके आगे आएगा। तो मुझे अपनी और एक स्टिकी पिस्टन बनाना पड़ेगा, उसके लिए पिस्टन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए एक प्लैंक कम है, उसके लिए फिर मेरे पास प्लैंक भी है। और अभी गाइस ये बना के एक स्टिक और एक स्टिकी पिस्टन, गाइस ये बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं गाइस। तो अभी इसको ऐसे करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। गाइस मेरे पास एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आ गया, अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं, गाइस एक सेकंड मैं वो आइडिया बना के मिलता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है। तो फिर गाइस अभी तो मेरे पास आ चुका है सामान, पर अभी मुझे चाहिए कॉबलस्टोन, और मैं कॉबलस्टोन एक्स्ट्रा लाना ही भूल गया। तो फिर अभी मुझे जल्दी से माइन करना पड़ेगा इफिशिएंसी 5 वाली पिकअप्स के साथ। तो अभी जल्दी से नीचे जाता है, आई डोंट थिंक यहाँ पर कॉबलस्टोन मिलेगा यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर चारों भी तरफ कि मिल गया गाइस, बहुत ही जल्दी मिल गया। तो फिर अभी मुझे थोड़ा सा कॉबलस्टोन लेके फिर से ऊपर जाना है। गाइस अभी मैं मिलता हूँ बहुत सारा कॉबलस्टोन लेके और वो आइडिया कंप्लीट करके। तो फिर गाइस अभी मैं नीचे से कॉबलस्टोन लेके आ चुका हूँ, और गाइस अभी मुझे बनाना होगा, क्या बनाना था एक सेकंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके मुझे ये बनाना था गाइस, मैंने थोड़ी सी एक सिस्टम बना ली है ऑलरेडी। उसके लिए मुझे चाहिए एक स्टिक, और उससे बनेगा लीवर। और गाइस अभी गाइस मेरा पूरा रेस्टोरेंट कंस्ट्रक्शन गया पानी के अंदर, गाइस मेरी ये इन्वेंटरी अभी। और गाइस अभी मैं यहाँ पर जल्दी से ये लगा देता हूँ, और ये वाला तोड़ के मुझे यहाँ पर एक ये लगाना पड़ेगा रेडस्टोन टॉर्च। पर सबसे पहले अभी अगर मैं यहाँ पर ये लीवर लगाऊँ, गाइस इसकी क्लॉक कैसे बनाते, एक सेकंड गाइस मैं फिर से 5 मिनट में मिलता हूँ। तो फिर गाइस यहाँ पर बहुत देर होने के बाद मैंने एक ऑलमोस्ट एक सीक्रेट बेस बना लिया है। ये सीक्रेट तो नहीं बोल सकते क्योंकि सामने ही लीवर दिख रहा है। तो गाइस अब क्या कर सकता हूँ, मुझे आइडिया तो नहीं, पर इतना तो ठीक है क्योंकि ये मेन सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है, तो अभी ठीक है गाइस, इसकी लोकेशन सिर्फ मुझे ही पता है। तो गाइस अगर मैं इस लीवर को फ्लिप करता हूँ तो फिर यहाँ से ये ओपन होता है ये पूरा रास्ता। और गाइस अब
और यहाँ से ऐसे ऊपर आ सकते हैं। तो गाइस और ये लीवर बंद करने के बाद ये हो जाता है बंद, और अभी सो जाते हैं। और गाइस अभी मुझे जल्दी से नीचे जाके पूरा डिग आउट करके ये करना है, बहुत ही अच्छा बेस बनाना है। तो फिर सबसे पहले तो ये लीवर फ्लिक करो, नीचे जाके MLG मारो, और ये पूरा नेचुरल लग रहा है सिर्फ लीवर की वजह से थोड़ा सा, बट ओके गाइस इट इज़ ऑल राइट। और इसके अंदर मैं बहुत ही थोड़ी देर ही रह सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम, मतलब सिर्फ बाहर से ओपन या क्लोज हो सकता है, क्योंकि अंदर से करने लगा तो बहुत देर हो जाएगी। अगर वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी है तो अभी मुझे यहाँ पर सिर्फ एक लैडर, यहाँ पर लैडर्स लगा देने हैं। और गाइस अभी इसके ऊपर मुझे MLG करके जाना है, नॉट MLG गाइस, MLG तो ऊपर से नीचे बचने के लिए होती है, वाटर डाल के जाना है। और यहाँ से ये क्लोज, और अगर मैं यहाँ से ये लीवर क्लिक करता हूँ तो गाइस ये ओपन हो जाता है, और फिर मैं नीचे आके यहाँ पर जो चाहिए वो कर सकता हूँ। पर अभी के लिए गाइस मुझे यहाँ पर ये बनाना है जल्दी से, तो मैं इसे पूरा का पूरा प्लेन कर देता हूँ, मिलता हूँ 2 मिनट में। तो फिर गाइज मैंने यहाँ पर बहुत सारी जगह क्लियर कर दी है, और गाइज यहाँ पर बहुत सारी मतलब ब्लॉक्स है नीचे, और अभी मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे इन सारे इसको पूरे वॉल्स को इससे कवर कर देना है, मतलब थोड़ा अच्छा लुक आएगा, मतलब रैंडम ब्लॉक्स अच्छे नहीं दिखते। तो फिर मैं वो भी करके आपसे मिलता हूँ। तो फिर गाइज मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे वॉल्स तो कवर कर दिए हैं, पर अभी सिर्फ रूफ बाकी है, क्योंकि मैं अभी फिर से मिलता हूँ आपको 2 मिनट में करके। पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये लुक कितना अच्छा दिख रहा है गाइज ब्लैक कलर में पूरा। तो फिर गाइज अभी मैं मिलता हूँ आपको पूरी रूफ कवर करके इससे। तो फिर गाइज अभी बहुत देर हो चुकी है, और अभी मतलब मैंने यहाँ पर पूरा सीलिंग तक कवर कर लिया है, पर अभी सिर्फ बाकी है तो फ्लोर। तो गाइस अभी मैं फिर से आपसे मिलता हूँ फ्लोर कवर करके, वो भी डीप स्लेट टाइल्स के साथ। पर गाइस अभी सबसे पहले तो मैं ये डीप स्लेट टाइल्स बना लेता हूँ 64 ना फिर आई थिंक सो। तो फिर अभी गाइस मैं आपसे मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। गाइस लिटरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये है कॉपर, तो मैं सबसे पहले तो ये भी लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे वो टेलीस्कोप बनाने के लिए क्या नाम है मैं वो भी भूल गया, पर वो टेलीस्कोप जैसा है, तो फिर मैं उसे टेलीस्कोप बोलने वाला हूँ गाइस। उसके लिए मुझे लगने वाला है वो ये कॉपर लगने वाला है। तो अभी बस अभी मैं काम करता हूँ, मिलता हूँ आपसे पूरी टाइल्स लगा के। तो फिर गाइज मेरा पूरा का पूरा ये बेस कंप्लीट हो चुका है, और गाइज मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स भी उठा लिए सारे, जैसे कि आप मेरे इन्वेंटरी के अंदर देख ही सकते हो, थोड़े से बाकी पर अभी वो डिस्पॉन हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। और गाइज अभी ये कंप्लीट हो चुका है, पर अभी मुझे यहाँ से ये पूरे क्लू मिटाने हैं कि ये यहाँ पर एक कोई भी बेस है। और सबसे पहले तो मुझे मेरे इन्वेंट्री में का सारा गंद यहाँ पर फेंक देना है, जैसे कि ये और क्या क्या गंद है गाइस, के क्या फेंक दूँ, मैं काम करता हूँ चारकोल फेंक देता हूँ, वो एक ही है ना ये भी गाइस। अभी और क्या क्या फेंकूँ, ये भी फेंक देता हूँ, ये भी और ये भी फेंक देता हूँ तक। ओके गाइस अभी मैं जल्दी से यहाँ से सारे क्लू मिटाता हूँ और वीडियो को एंड करता हूँ, जैसे कि ये और ये। तो फिर गाइस अभी मैं आपसे मिलता हूँ, गाइस मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट मेन सिटी के अंदर, वहाँ पे इंट्रो करेंगे। पर सबसे पहले मुझे क्रीपर के साइड में जाके यहाँ पर खींचना है, सिर्फ एक हार्ट गया, एक हार्ट, बिकॉज आई एम हैविंग माई डायमंड आर्मर। तो गाइज अगली वीडियो आई थिंक सो गाइज डोंट नो, पर आई थिंक सो कि ये वाली रहने वाली है फ्री फायर की, नहीं तो
क्या बोलते हैं गाइस, फाइंडिंग एंशियंट डिब्रीज। तो फिर गाइस अभी जल्दी से आपको एक क्लू दिख गया गाइस, अभी आपने देख लिया, पर मैं ज़्यादा मतलब अभी थोड़ा सा और हिडन बनाने वाला हूँ ऑफलाइन, या फिर नहीं भी बना पता नहीं गाइस। पर अभी गाइस मैं जल्दी से मेन सिटी के अंदर जाता हूँ। तो फिर गाइस मैं दौड़ते दौड़ते आ चुका हमारे घर की तरफ, और अभी मैं जल्दी से जाता हूँ टावर के ऊपर। तो फिर अभी गाइस मैं इस वाले माउंटेन की तरफ से आया हूँ। तो फिर गाइस अभी मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे ऊपर जाना है गाइस। मैं काम करता अभी ऊपर आपसे मिलता हूँ। तो फिर गाइस मैं आ चुका हूँ मेरे घर के तरफ, और मतलब घर के अंदर ही आ चुका हूँ टावर के ऊपर। तो फिर गाइस मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गाइस, एक सेकेंड में मेरा सामान ले लेता हूँ, फिर बाय बाय बोलता हूँ, नहीं तो मेरा सामान भी बाय बाय बोल देगा। फिर गाइस जल्दी से जाता हूँ ऊपर। गाइस अभी मैं एंड कर देता हूँ, बहुत ही बड़ी हो रही, बड़ा हो गया वीडियो, तो अभी जल्दी से ले लेता हूँ। फिर गाइस बाय बाय।